यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं वो दिए धीरे चलते हैं ना। हाँ, ये पूरा सेटअप ये ऑन हो जाएगा, लोगों पे आ रहा है। ज़्यादा थोड़ा मराठी में बताओ, कोई आना चाह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा इतने शिकायत असेल तर एकदम मस्त शिकवतात, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। हैदराबाद मध्ये फोन फिक्स हा एक चांगले एक इंस्टिट्यूट आहे। रहने के लिए कैसा है फैसिलिटी? रहने के लिए खाने के लिए सगळं चांगले, राहण्यासाठी खाण्यासाठी काही प्रॉब्लेम नाही। प्रैक्टिकल कब से कब तक हो रहा क्लास, थोड़ा सा बताओ? प्रैक्टिकल 10 दिन से चल रहा है। मराठी मतलब सकाळी 10 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत चालू राहतो। नंतर रिबॉलिंग वगैरे आयसी वगैरे शिकवतात, एकदम मस्त शिकवतात। समझ में आ रहा है क्लास आपका? प्रैक्टिकल असते असं सांग, त्यानंतर प्रैक्टिकल असतो। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर जरा चल ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ यहां पे हम सॉल्यूशन लेकर आते हैं आपको चैनल पे, और आज हमारे पास एक वीवो का हैंडसेट है, वीवो Y95 जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे। और ये जो हैंडसेट है मेरे साथ एक स्टूडेंट है प्रसाद। प्रसाद जी, आपका ही सेट है? मेरा सेट। आप कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना से, और कितने 10-12 दिन की क्लास हो चुकी है। और यहाँ पे हमारे पास जो हैंडसेट है फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसमें 3G और 2G नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है। चाहे उसमें एयरटेल का सिम डाल लो या जियो का डाल लो, कोई भी सिम अगर आप चेंज करते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है। बेसिकली देखा जाता है कि जो क्वालकॉम के हैंडसेट होते हैं उसमें WTR चेंज करते हैं, या फिर MediaTek का कोई IC है तो उसमें RFIC वगैरह चेंज कर लेते हैं, या 3GPA या 4GPA वगैरह चेंज कर लेते हैं, या क्रिस्टल वगैरह चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम स्टूडेंट को प्रॉपर वे में बताते हैं कि उसे कैसे रिपेयर करना है। तो ये हैंडसेट को भी हमने एक प्रॉपर वे में फाइंड आउट किया है और यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे प्रसाद। और मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इसका IMEI और बेसबैंड एक बार चेक कर लेते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका IMEI सारा ओके है और इसका बेसबैंड भी ओके है। और यहाँ पे मैं आपको अंदर सिम भी इसकी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे सिम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सिम का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाते हैं मोबाइल नेटवर्क्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल का यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे जो सेलेक्ट करें हमने नेटवर्क में 2G सेलेक्ट किए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर अभी तक नेटवर्क दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2G नेटवर्क यहाँ पे 2G तो आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे कॉल करके भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे जब हम 4G सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से सारे नेटवर्क चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर नो सर्विस लिख के आ जाता है। तो नो सर्विस लिख के आ रहा है, वापस से मैं इसमें 2G सेलेक्ट करूंगा और कॉल करके बता दूंगा आपको। यहाँ पे कॉल 2G पे लग रहा है लेकिन 4G में ना ही नेटवर्क आ रहा है ना ही इंटरनेट चल रहा है। तो यहाँ पे वापस से, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नेटवर्क में मैं वापस से 2G सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए नेटवर्क वापस से आ जाएंगे यहाँ जैसे कि आ चुके हैं। एक बार कॉल कर दीजिए, तो एक बार कॉल करके चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 2G में तो कॉल लग रहा है लेकिन 4G जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे नेटवर्क चले जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बेसबैंड वगैरह ओके है, IMEI भी इसका ओके है, बेसबैंड ओके है और IMEI भी ओके है, और 2G में सिम चल रहा है, कॉल आ भी रहा है जा भी रहा है, लेकिन यहाँ पे 4G यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो चलिए प्रसाद मोबाइल को सबसे पहले ऑन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, PCB को निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेसिंग करेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल उसकी मत करिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन इसमें दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हम WTR या फिर ये MediaTek के हैंडसेट है इसमें हम RFIC या 2GPA 3GPA डायरेक्ट आप चेंज कर लेंगे तब भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि जब किसी लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है अगर आप ICU पे IC चेंज करते चले जाए तब भी आपका प्रॉब्लम
सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए ये हैंडसेट में हम क्या काम कर रहे हैं आपको बताते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4G का PA है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे हमें GR या फिर वैल्यू जिसे बोलते हैं वैल्यू मिलनी चाहिए। और यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे मल्टीमीटर में मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इधर लेना फिर उधर लेना, ठीक है कैपेसिटर चेक कर। जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं बोथ साइड आपको यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, उसके ऊपर का कैपेसिटर भी चेक कर दीजिए, ठीक है उसके ऊपर कॉइल, यहाँ भी शॉर्टिंग, ठीक है यहाँ पे हमको टोटली शॉर्टिंग मिल रही है। अभी प्रसाद यहाँ पे चेक करके बता दो एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक कैप है और यहाँ पे भी हमको शॉर्टिंग मिल रही है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा पीसी पे उधर हटाना और हटाइए थोड़ा सा, थोड़ा नीचे और नीचे, यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें पावर एसी लगा है MT6357 CRV और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है बूस्ट कॉइल और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप देखिए इस कॉइल के नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर भी हमको यहाँ पे शॉर्ट मिल रहा है और ये कॉइल की जो सप्लाई है ये पावर एसी में जाती है और ये पावर एसी से भी यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है। थोड़ा सा कॉइल कैपेसिटर चेक कर दो नीचे, कॉइल के नीचे ये वाला, जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर भी हमारा यहाँ पे शॉर्ट मिल रहा है और ये जो सप्लाई है इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे पावर एसी में जाती है। तो चलिए यहाँ पे पावर एसी खोलते हैं और इसे पावर एसी रिप्लेस करते हैं और पूरा प्रसाद करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है।
डे कितना आ रहा है रीडिंग? थोड़ा बहुत, एक मिनट, 470, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो आराम से डालो, सीमेंट डालो, सब डालो, और हो गया ऑन। फिर तो फ्रेंड्स जैसा देख सकते हैं यहाँ पे पावर एसी हमने चेंज कर लिया है और हमारी जो शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग तो हट चुकी है और अभी सिम लगा कर इसे ऑन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल ऑन हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं और अभी नेटवर्क चेक करते हैं कि नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसमें। जो अंदर पहले 2G सेलेक्ट करके रखे थे अपन, वापस से जाओ सेटिंग में और वहां पे LTE करो। ठीक है, यहाँ पे हम 4G नेटवर्क सेलेक्ट कर लिए। आ गया। कौन सा है वो अंदर जाके बताओ, 2G हुआ कि 4G सेलेक्ट है? 4G सेलेक्ट है, आ गया नेटवर्क। एक बार इसके लिए जोरदार क्लैप, 4G नेटवर्क आ गया भाई इनका। ठीक है, शिव प्रसाद अभी लाइव रिपेयर करे इसको, कितने कैसा लग रहा अभी आप हाथ से खुद रिपेयर करे? ये सेट कहीं पहले भी बनने गया था क्या? मैं देखा इसको पहले पूरा हिट मार के, ऐसे ऊपर हिट मार के देखा। हाँ। इतना, इतना। ये ऐसी तो आप खुद रिपेयर करे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्निक है, जो तरीका है, आपको क्लास में जब लाइव आएंगे आप बताएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसका एक GR बनाया हुआ है, एक डाटा बनाया हुआ है, ये सब आप ही बनाए ना? ये तो डाटा भी आप बनाए और ब्लैक पेस्टेड एक वीवो के हैंडसेट में पावर निकाल के लगाए, अपने हाथ से करे काम। तो यहाँ की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं कैसा दे रहे हैं? तेलुगु में बोलना है बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। कैसा सिखा रहे हैं, क्या है बताइए? पक्का इंस्टीट्यूट इक्कड 100% बेटर, వేరే ఢిల్లీకి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడెక్కడో తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు వాళ్ళు అయితే ముఖ్యంగా డైరెక్ట్ వచ్చి చేరొచ్చు, ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అచ్చా ఏ బతాయే, ఏ హ్యాండ్సెట్ మే అగర్ హమ్ 3G की IC निकाल लेते या 4G की IC निकाल के लगा लेते या फिर PFO चेंज कर लिए या RFIC चेंज कर लिए तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता था क्या इसका? नहीं सर, तो यहाँ पूरा देखना कितना वैल्यू आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, पूरा IC के बगल में देखना। तो हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें और आप ही चेक करें इसको, कूल टेस्टिंग भी आप करें, सारा चेकिंग प्रोसेस आपको बताए कि कैसे करना है क्या है। अभी लाइव आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप कहाँ से वैसे? मैं तेलंगाना नलगुंडा जिला। नलगुंडा, तो तेलुगु में बोल दीजिए, कोई आके यहाँ सीखना चाह रहे उसको क्या बोलना चाहेंगे? तेलुगु वाले मारे मुख्यंगा जबने एकड़ा दिरगाल सांसन लेदो। ठीक है, नाम मत बताओ कहीं का भी, बाकी बताओ यहाँ कैसा दिखा। अच्छे चेयर अच्छो, 100% सपोर्ट उन्टा दी। बेटर बेटर इंस्टीट्यूट। अभी ब्लैक पेस्टेड CPU वगैरह सब खोल के लगा रहे कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं, काफी सारे सेट बना लिए आप अभी तक, कितने बना लिए सेट? 5-6 बना लिए, ट्रेनिंग के लिए आए और ट्रेनिंग के साथ साथ सेट भी बना रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं वो धीरे चलते हैं ना, ये पूरा सेट अभी ऑन हो जाएगा, लोगों पे आ रहा है। ज़्यादा थोड़ा मराठी में बताओ।
कोई आना चाह रहे उनको क्या बोलते हैं? जो तुम्हारा इथे शिकायचं असेल तर एकदम मस्त शिकवतात, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. हैदराबाद मध्ये फोन फिक्स हा एक चांगले इंस्टिट्यूट आहे. रहने के लिए कैसा है फैसिलिटी? खाने के लिए सगळं चांगलं आहे, राहण्यासाठी खाण्यासाठी काही प्रॉब्लेम नाही. प्रॅक्टिकल कब से कब तक होणार क्लास, थोडा सा बताओ. प्रॅक्टिकल 10 दिन से चल रहा है. मराठी मतलब सकाळी 10 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत चालू राहतो. नंतर हे असतो रिबॉलिंग वगैरे, आयसी वगैरे शिकवतात. एकदम मस्त शिकवतात. क्लास आपका प्रॅक्टिकल असतं. ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. फिर तेरा.